सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल की एक और न्यू वीडियो में। तो भाई लोग, आज जो हम आपके लिए एक और न्यू गेम लेकर आ चुका हूँ जो स्मूथली वर्क करेगी 1 और 2 GB रैम डिवाइसेस में। और गाइस, ये जो गेम है लगभग लगभग जो मतलब CS:GO की तरह मिलता जुलता है। जो गेम प्ले अभी आप मतलब स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये जो गेम प्ले है CS:GO का ही है। बस उस गेम जो अभी जो मैं आपको आगे गेम बताने वाला हूँ वो भी बिल्कुल मतलब CS:GO की तरह मिलती जुलती है। बस उसके ग्राफिक्स थोड़े से लो हैं जो आपके मोबाइल में एकदम बढ़िया तरीके से वर्क करेगी। तो बोलो कि ये जो गेम है मतलब बिल्कुल CS:GO की तरह होने वाली है, मैंने आपको पहले भी बता दिया। और गाइस, यहाँ पर आपको जो है मतलब CS:GO की तरह मल्टीप्लेयर जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों के साथ आप खेल सकते हो बहुत ही ज़्यादा आसानी से। और अभी जो है मैं ज़्यादा मतलब बोलने वाला नहीं हूँ, सीधा मैं आपको गेम प्ले दिखाता हूँ जिससे आप मतलब थोड़ा आइडिया लगा सकें भाई गेम कैसी है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोकेगा, जैसे ही आपकी जो गेम है वो स्टार्ट होगी तो आपसे ये कुछ परमिशन वगैरह मांगेगा और ये जो लाइसेंस वगैरह पूछेगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर अग्री कर देना है। और उसके बाद गाइस आपको अपना मतलब ये थोड़ा लोडिंग वगैरह देखने को मिलेगी। अब जो है आपको मतलब अपने जो गूगल या फिर फेसबुक आईडी से लॉगिन कर लेना है, जैसे हर गेम में होता है, कुछ अलग है नहीं इसमें भी। तो मैं सीधा आपको अभी आगे दिखाता हूँ। सोकेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो है मैंने अपना जो गूगल से जो है लॉगिन कर लिया है। और अभी देख सकते हो भाई, ये जो थोड़ा हमारा प्लेयर आईडी वगैरह ये सब नेम वगैरह बताता है और हमारे अचीवमेंट्स वगैरह बताता है भाई, हमने कितने मैच वगैरह अभी तक खेले हुए हैं और कितने जीते हैं कितने हारे हैं ये सब बताता है। और यहाँ पर आप क्रेट ओपनिंग देख सकते हो भाई लोग, यहाँ पर आपको मतलब स्टार्टिंग में एक गन मतलब ये दे देगा जिससे आप जो आगे मतलब खेल पाओगे। तो फिलहाल ये उजी की तरह लग रही है बिल्कुल, MP7 ऐसा कुछ नाम है इसका। MP7 मतलब जो बनाना मतलब जो इसकी स्किन है, इसका स्किन का नेम है। तो भाई लोग, यहाँ पर जो है अभी आपको मैं बताता हूँ, सेटिंग में लेकर जाऊँ तो यहाँ पर आपको देख सकते हो भाई लोग, गेम में ये जो आपको ऑप्शन देता है लॉगिन वगैरह करने का और भी, मगर मेन सेटिंग है भाई आपकी वीडियो में आती है जहाँ पर अपने ग्राफिक्स को आप कंट्रोल कर सकते हो। आप मेरी मानो तो पहले ये जो सभी ग्राफिक्स हैं इनको एकदम लो कर दो जिससे आपकी जो गेम एकदम स्मूथ चलेगी। अभी जो है मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मेरा जो गेम है वो थोड़ा मतलब लैग कर रहा था स्टार्टिंग में, मगर जब मैंने अपने ग्राफिक्स को जो था एकदम लो कर दिया तो यार मेरी गेम एकदम स्मूथ हो गई। और फिर जब मैंने अपना रिकॉर्डर बंद किया तो फिर तो भाई लोग इतना ज़्यादा मतलब गेम स्मूथ चल रहा था इतनी ज़्यादा बढ़िया तरीके से कि भाई क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पर अभी मैं थोड़ा ग्राफिक्स को थोड़ा मतलब सेट करने की कोशिश कर रहा था। और अभी जो मैं आपको थोड़ा मैच वगैरह बताता हूँ यहाँ पर, तो भाई लोग साउंड में आप देख सकते हो यहाँ पर आप गेम की साउंड वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पर आप अगर कंट्रोल्स में जाकर देखो तो भाई लोग यहाँ पर आप अपने गेम के जितने भी आइकन्स वगैरह होते हैं जब आप गेम खेलते हो तो उनको कस्टमाइज कर सकते हो, उनको साइज मतलब ज़्यादा छोटा मतलब कर सकते हो जैसा आप चाहो। तो यहाँ पर अब आपको जैसे प्ले पर बटन पर क्लिक करना है तो आपको अपना रीजन सेलेक्ट कर लेना है, जो मतलब सभी लोग जितने भी देख रहे हैं वो तो भाई इंडिया से ही होंगे, तो मैं भी इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ अभी। और भाई यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप ये जो बटन सा देख पा रहे हो जहाँ पर ये रिमोट बना हुआ बटन वगैरह लिखे बने हुए काफ़ी सारे, तो भाई यहाँ पर आपको बॉम्ब प्लांट करना होता है और जो सामने वाले टीम होती है उस टीम को जो है वो जो बॉम्ब होता है वो डिफ्यूज़ करना होता है। तो ये भी जो मैच है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मगर मैंने एक सिंपल जो ट्रेनिंग मोड होता है वो लगाया है। तो यहाँ पर भी भाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मैच लगने वाला है, ये मत समझना भाई स्टार्टिंग है तो भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब कमज़ोर बंदे आएंगे, भाई ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा तगड़े बंदे आते हैं भाई यहाँ पर। सोकेगा, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर मेरा जो मैच है वो स्टार्ट हो गया है और मेरे टीममेट्स भी हैं यहाँ पर। और अभी आप गेम देख पा रहे हो भाई, थोड़ा मेरा जो गेम है वो लैग कर रहा है, मगर अभी देखना भाई बाद में मतलब जैसे ही मैं जो अपने ग्राफिक्स हैं उनको एकदम लो कर दूंगा ना तो भाई गेम काफ़ी ज़्यादा मतलब स्मूथ हो जाएगा। मगर तब भी यार मैं ज़्यादा बंदे लपेट नहीं पाता इसमें, क्योंकि यार बंदे काफ़ी ज़्यादा तगड़े थे और मैं थोड़ा जो प्लेयर है वो मतलब मैं जो प्लेयर हूँ मैं थोड़ा नया है हूँ इस गेम में, तो इसीलिए। सोकेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो भाई मतलब जो गेम खेलते खेलते यार गेम कुछ ज़्यादा ही लैग कर रहा था, फिर मैंने सेटिंग में आया यहाँ पर और जो ग्राफिक्स थे एकदम लो कर दिए और अब तो भाई गेम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चलने वाला है मेरा। तो अभी देखना आप लोग आगे तो देख सकते हो भाई, अभी जो गेम काफ़ी ज़्यादा मतलब ठीक ठाक चल रहा है फिलहाल तो। और अभी जो मैं थोड़ा क्राउच हुआ हूँ मुझे पता नहीं था, देखो भाई बंदा लपेट गया मुझे एकदम से। तो अभी दोबारा से भाई आगे चलते हैं देखते हैं भाई।
सुखेगा जैसा कि आप देख सकते हो भाई, कभी कभार मैं बंदूक घुमा रहा हूँ तो वो मुझे मारे जा रहे हैं। और मतलब हम हार जा रहे थे यार बार बार, क्योंकि मेरी टीम में इतने तगड़े बंदे थे नहीं, मगर तब भी यार हमने काफ़ी कोशिश की भाई, काफ़ी तगड़ी फाइट हुई हम मतलब दोनों टीम्स की, मगर तब भी यार वो एनिमी जो टीम होती है वो जीत जाती है एंड में। तो कोई बात नहीं भाई फिलहाल के लिए। तो सो गया जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर जो है मतलब उनके 150 पॉइंट्स बने और भाई हमारे 94 पॉइंट्स बने थे, मगर तब भी कोई बात नहीं भाई, लोग हमारी टीम हार चुकी है, कोई बात नहीं। और यहाँ पर अभी जो है मुझे कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह मिलते हैं फिलहाल जो है भाई। अभी जो है मैं आपको एक प्रैक्टिस मोड बताने वाला हूँ इसका, जहाँ पर जो आप मतलब प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो, कोई भी गन चूज़ कर सक को चूज़ करके वहाँ पर आपको सारी की सारी गन्स अवेलेबल हो जाएंगी, और वहाँ पर आप मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। जितनी मर्जी देर तक वहाँ पर आप प्रैक्टिस करते रहो, कोई मतलब आपको कुछ नहीं बोलने वाला। तो अभी जो है मैं आपको उसी सेक्शन में ले चलता हूँ। तो भाई लोग जैसे ही आप प्ले के बटन पर क्लिक करोगे, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर आपको एक कमांडो सा बना हुआ आएगा, तो आपको वहाँ पर क्लिक कर देना और भाई आप एक ट्रेन मतलब प्रैक्टिस मोड में पहुँच जाओगे, ट्रेनिंग मोड भी इसको बोल सकते हैं। तो फिलहाल अभी इसको लोडिंग होने देते हैं और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो भाई जैसे ही आप प्रैक्टिस मोड में पहुंचोगे, तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक नाइफ होगा। तो भाई आप जैसे ही मैंने आप देख सकते हो स्क्रीन पर अपनी एक बाय का ऑप्शन मतलब बना हुआ आएगा, मैंने वहाँ पर क्लिक किया। तो भाई यहाँ पर मेरे सामने काफ़ी सारी गन्स आ गई हैं, पिस्टल आ गई हैं, AR गन्स आपको मिल जाएंगी, स्नाइपर राइफल्स मिल जाएंगी। तो भाई आप इनमें से कोई भी गन चूज़ कर सकते हो और भाई प्रैक्टिस कर सकते हो। फिलहाल मैंने ये वाली गन ले ली है, और अभी जो है आपको यहाँ पर स्टार्ट का जो बटन है भाई, इस पर क्लिक कर देना है और आपको ये मतलब इस पर ना एक बार गन फायर करनी है। तो भाई देख सकते हो सामने काफ़ी सारे जो मतलब बोर्ड से होते हैं ये मतलब आ गए हैं, तो ये भाई हिलते रहेंगे, तो आपको जो है इन पर एम करके शूट करना है इनको। कम टाइम में भाई आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो बोट है उनको मारना है। तो भाई ऐसी जो आपको प्रैक्टिस करनी है, चाहे आप जितनी देर से कर सकते हो उतनी देर तक मतलब करो, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर कोई भी इस चीज़ की एंडिंग है नहीं, जब तक आप खुद एंड मतलब एग्जिट नहीं करते तब तक ये भी जो है बंद नहीं होने वाला। तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ लगी भाई स्टार्टिंग के लिए। और यहाँ पर भी आप चाहो तो फायरिंग वगैरह कर सकते हो, मैं तो ऐसे मतलब मज़े मज़े में किए जा रहा था यहाँ वहाँ। तो ये देख सकते हो भाई लोग मतलब गोलियों के निशान आ गए यहाँ पर। और अभी देखना भाई ये जो मतलब अभी ये जो राउंड लगाया है ना अभी मैंने, ये भी थोड़ी देर के बाद ऊपर बोर्ड पर टाइमिंग देख सकते हो भाई, इतने टाइम के बाद ये जो है बंद हो जाएगा। और आप किल देख सकते हो भाई, मैंने किल भी मतलब किए हुए हैं वो साइड में, तो वो अभी देख सकते हो भाई लोग, मैं खेलता जाता हूँ भाई इसको। सो गाइस ये मतलब सारे के सारे ग्राफिक सेटिंग लो करने के बाद आपको एक प्रॉब्लम आने वाली है यहाँ पर। गाइस जैसे आप ये स्क्रीन रेजोल्यूशन एंड वाला जो ग्राफिक सेटिंग आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो है गाइस, इसको जो है आपको एकदम हाइपर कर देना है और बाकी सारे के सारे जो सेटिंग है उनको लो रखना है, क्योंकि भाई इससे जो है आपका स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन, जो भी आप वर्ड देखते हो, कोई भी मतलब मान लो एग्जिट गेम लिखा हुआ है, प्ले का बटन लिखा हुआ है, तो भाई वो जो आपको एकदम ब्लर ब्लर से नजर आएंगे। तो भाई उस स्क्रीन रेजोल्यूशन को जो आपको हाइपर कर देना है, चाहो तो मीडियम पर भी रख सकते हो, बस आपको जो वर्ड है वो मतलब फिर नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मतलब वो ठीक से दिखेंगे नहीं आपको, फिर बाद में दिक्कत आएगी, फिर आप बोलोगे भाई पता नहीं तूने क्या कर दिया। तो भाई मैंने आपको उसका सलूशन बता दिया, बाद में मत बोलना भाई। सो ओके गाइस आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही था। अगर आज आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट जाकर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू था सब्सक्राइब कर देना। और गाइस अगर आपने मुझे अभी तक मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मुझे फॉलो नहीं किया है, तो जाओ यार जल्दी जाके फॉलो करो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।